वैसे तो फ्रूट्स कई किस्म के होते हैं, लेकिन कुछ फ्रूट्स कुछ सीजन में ही आते हैं, जिनको हम सीजनल फ्रूट्स बोलते हैं। ये सीजनल फ्रूट्स को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि इनके तासीर, इनकी जो बेनिफिट्स होती है वो ज्यादा होती है। और इसी तरह से इस बार जो सीजन चल रहा है वो संतरे का है। ऑरेंजेस अभी बहुत ज्यादा मिल रहे होंगे, बहुत ज्यादा सस्ते भी मिल रहे होंगे, आप उनको लेकर आओ, उसका फ्रूट खा लो, लेकिन उसके छिलकों को आप फेंकिएगा नहीं, क्योंकि उसके छिलके में इतने ज्यादा स्किन के बेनिफिट्स मैं आपको बता नहीं सकती। उससे आप बना सकते हो इस मौसम के लिए जबरदस्त विटामिन सी का सीरम, स्किन ब्राइटनिंग वाला सीरम, कॉम्प्लेक्शन बूस्टिंग वाला सीरम, और एक ऐसा फेस पैक जिससे आप अपने स्किन को लाइटन करके, स्किन को इवन करके, अपने डल स्किन को ब्राइटन अप कर सकते हो, डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस कर सकते हो। इसको बना के एक बार यूज करके देखना, 2 to 3 days में आपकी स्किन कैसे चमक उठती है, कैसे रेडियंस बूस्ट होता है आपकी स्किन में, आपका रंग कैसे निखरने लगता है, आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स कैसे दूर होने लगती है, गारंटी के साथ बोल रही हूँ। इसको एक बार जरूर बनाइएगा। लेकिन उससे पहले एक बार याद दिला दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा, वरना मुझे बहुत बुरा लगेगा। और नोटिफिकेशन में को भी जरूर टिक कीजिएगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको सबसे पहले पता चलेगा, और एंड में वीडियो को शेयर भी कर देना। अब शुरू करते हैं आज की जबरदस्त रेसिपी। सबसे पहले आपको ऑरेंजेस, फ्रेश ऑरेंज लेना है। अब आपको दो तरीके से छिलकों को यूज करना है। सबसे पहले आप ऑरेंजेस के छिलके को ग्रेट करेंगे, ठीक है। 1 to 2 ऑरेंज के छिलकों को पहले आप ग्रेट करेंगे इस तरह से, ठीक है। ग्रेट करने के बाद में ये जो फ्रेश ऑरेंज पील मिल रहा है ना, इसका फ्रेश जूस एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसमें इतना ज़्यादा विटामिन सी का कंटेंट है जो ऑरेंज के फ्रूट, जो एक्चुअल फ्रूट उसमें भी नहीं होता, उससे ज़्यादा उसके पील में होता है। और इसको हम ना बॉयल कर रहे हैं, ना स्टीम कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, इसका जो विटामिन सी का कंटेंट है वो वैसे ही रहने वाला है, इसलिए इसको हम फ्रेश यूज़ करेंगे। और उसके बाद में आप 2 अलग ऑरेंज लेंगे, उसके पील्स को निकालेंगे इस तरह से, और उसके पील्स को इस तरह से कलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब एक पैन लीजिए, उसमें तकरीबन 1.5 glass जितना पानी डालें, और ये फ्रेश ऑरेंज के पील्स को अच्छे से वॉश करके इसमें डाल देंगे, और इसको अच्छी तरीके से पकाएंगे, बॉईल करेंगे। माइंड यू कि इसको हम विटामिन सी के लिए नहीं कर रहे, विटामिन सी के लिए हमने पहला प्रोसेस कर लिया है जिसमें हमने उसको बॉईल नहीं किया, हीट नहीं किया, कुछ नहीं किया। इसमें हम ऑरेंज के एसेंशियल ऑयल के लिए कर रहे हैं, राइट, जो बॉईल होने से, स्टीम होने से उसके पानी में छूटता है, उसके जो पील्स है उसकी गुडनेस इसमें आती है। कि पील जब आप चेहरे पर लगाते हो ना, आपकी स्किन ब्राइटेंड होती है, कॉम्प्लेक्शन निखरता है, डार्क स्पॉट्स आपके रिड्यूस होते हैं, स्किन टोन आपकी इवन होती है, स्किन आपकी लाइटन होती है, रंग आपका निखरने लगता है, साफ होने लगता है। ये ऑरेंज के छिलके की खासियत होती है, वो सारी चीजें आपको ये पील बॉईल करने से मिलेगी, ठीक है। तो अच्छी तरीके से बॉईल कर लेंगे पानी को, और उसको आधी क्वांटिटी कर लेंगे तकरीबन इतनी। अब क्या करें, ऑरेंज के पील्स को इसमें अच्छी तरीके से स्मैश करें, ताकि जो पील्स जो सॉफ्ट हुए हैं उसकी पूरी गुडनेस ये पानी में आ जाए, उसकी पूरी स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज ये पानी में आ जाए, उसका पूरा एसेंशियल ऑयल इस पानी में आ जाए, ठीक है। अच्छे से करें, आप देख रहे हो हल्का हल्का ऊपर जो ऑयल है दिख रहा है। अब उसके बाद में इसको आप छान लेंगे, छानने के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो जो फ्रेश ऑरेंज पील्स का हमने एक्सट्रैक्ट निकाला था वो इसमें ट्रांसफर करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब देखो इसमें विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड और ऑरेंज एसेंशियल ऑयल, स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज में सब कुछ आ गई है, राइट। अब इसको कैसे यूज करना है वो मैं आपको बता रही हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसे हम सीरम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप एक बोल लेंगे और उसमें डालेंगे 2 चम्मच ग्लिसरीन की, ठीक है, और उसमें 1 चम्मच आमंड ऑयल की या कोकोनट ऑयल की आप डालेंगे। फिर उसके बाद इसमें हम डालेंगे 2 to 3 चम्मच एलोवेरा जेल की, और ये सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद जो फ्रेश ऑरेंज का एक्सट्रैक्ट हमने निकाला है उसके 3 to 4 चम्मच आप इसमें डालें, इसको अच्छे से मिक्स करें, ठीक है, अच्छे से मिक्स करेंगे। और फाइनली इसमें डालेंगे 1/4 teaspoon हल्दी पाउडर की, और इन सबको अगेन मिक्स करके इसको, ये रेडी हो जाएगा आपका ऑरेंज का, फ्रेश ऑरेंज का विटामिन सी का स्किन ब्राइटनिंग, स्किन लाइटनिंग, स्किन रेडियंस, स्किन ग्लोइंग, कॉम्प्लेक्शन बूस्टिंग फेस सीरम। गाइस, ये विटामिन सी का ऐसा सीरम है जो आप अपने घर में आराम से बना के यूज़ कर सकते हो। इसको बस आपको क्या करना है, जब भी आप अपना फेस को वॉश कर लेते हो, इसको लेके अपने स्किन में अच्छी तरीके से इस तरह से ले, अपने हाथों में ले, या इसे डायरेक्टली अपने फेस पे डाले और उसको लेके अपने स्किन में इस तरह से अप्लाई करें और अच्छे से रब करें, आपकी स्किन में बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है ये। मतलब बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, लेकिन हाँ, ये आपकी स्किन को हाइड्रेट कर देता है, क्योंकि ऑरेंज की खासियत ये हाइड्रेशन के लिए। और उसके साथ ये आपके ना डे बाय
आइडिया, आप देखोगे आपका रंग कैसे निखरते जा रहा है, इससे डलनेस कैसे आपकी गायब हो रही है। और अगर आपके चेहरे पे कोई प्रॉब्लम होगी, जैसे पिगमेंटेशन है, एक्ने के मार्क्स है, डार्क स्पॉट्स है, स्किन टोन आपकी अनइवन है, सब भूल जाओ। ये सब कुछ क्लियर कर सकता है, सब कुछ इवन कर सकता है और आपके रंग को निखार सकता है, स्किन टोन को आपकी इम्प्रूव कर सकता है। और उसके साथ साथ ये चमक देता है आपकी स्किन में, रेडियंस देता है, ग्लो देता है आपकी स्किन में, जो ये विंटर सीजन में तो हमको देखने को ही नहीं मिलती है। एजिंग के लिए बहुत अच्छा सीरम्स है, फाइन लाइंस को रिड्यूस करने के लिए, रिंकल्स को रिड्यूस करने के लिए, आपकी स्किन को टाइटन अप करने के लिए बहुत ही अच्छा, क्योंकि विटामिन सी ये सारे काम कर सकता है। प्लीज इसको एक बार बना के जरूर यूज करेंगे। और इसका ज्यादा से ज्यादा अगर आप फायदा उठाना चाहते हो ना, तो इसका एक फेस पैक बना के यूज करो। ऑरेंज पील पाउडर का फेस पैक से जो रिजल्ट मिलता है ना, उससे ज्यादा, मतलब एटलीस्ट 50-60% टाइम्स आपकी स्किन में उस फ्रेश ऑरेंज का जो पील है उसके एक्सट्रैक्ट का रिजल्ट ज़्यादा होता है। तो इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो, आप क्या करें, जो ऑरेंज एक्सट्रैक्ट हमने निकाला है ना, उसको आप उसका 2-3 चम्मच लीजिए एक बोल में, फिर इसमें डाले चंदन पाउडर, सैंडलवुड पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और 1-2 चम्मच दही। बस ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें। अब इसको लेके गाइस फेस पैक की तरह अपने चेहरे पे अप्लाई करें। अगर इस सीरम से रिजल्ट्स आपको हफ्ते भर में दिख रहा है, तो ये पैक यूज करने से आपको वही रिजल्ट 3 दिन में दिखने लगेगा, क्योंकि आप डबल काम कर रहे हो। आप अपनी स्किन को पीछे से भी रिपेयर कर रहे हो, पीछे से और ज्यादा आपके कॉम्प्लेक्शन पे काम कर रहे हो, डेड सेल्स को रिमूव कर रहे हो। ये पैक, वो सीरम भी और ये पैक भी आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है बिकॉज ऑफ ऑरेंज पील। ऑरेंज पील आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, हाइड्रेट करता है, स्किन के जो चमक है उसको बूस्ट करता है, ब्राइटन अप करता है। तो ये पैक भी वही करेगा। और इसके एक्स्ट्रा फायदे ये है कि डार्क स्पॉट्स पिगमेंटेशन को ये भी रिड्यूस करता है, रंग को आपके साफ कर देगा, स्किन को आपकी ग्लोइंग बना देगा। ये इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है, आप इसको एनी टाइम यूज़ कर सकते हो, दिन में एटलीस्ट एक बार इसको यूज़ करने की आदत बनाए। फर्स्ट टाइम में आप इसका रिजल्ट क्लियरली देख पाओगे आपकी स्किन में, और उसके बाद जब सीरम अप्लाई करोगे आपके फेस पे और लगाते रहोगे, इतना ज़बरदस्त आपको निखार मिलेगा आपकी स्किन में, इतनी डलनेस आपकी गायब हो जाएगी, आपका कॉम्प्लेक्शन इतना बूस्ट हो जाएगा, आपके चेहरे पे इतनी चमक आ जाएगी, मैं आपको बता नहीं सकती, आपका रंग इतना साफ दिखने लगेगा, इतना क्लियर, इतनी चमक दिखने लगेगी आपके फेस पे। प्लीज ये सिंपल से विटामिन सी के स्किन ब्राइटनिंग, रेडियंस बूस्टिंग, कॉम्प्लेक्शन बूस्टिंग सीरम को एक बार और ये पैक को एक बार जरूर ट्राई करें, और इसके रिजल्ट्स नीचे कमेंट बॉक्स में आके जरूर शेयर करें। मैं वेट करूंगी, क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग है गाइज। और यस, फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि ये सारे अच्छे अच्छे रेमेडीज, ये रेसिपीज आपको मिलती रहे, आप तक पहुंचती रहे, और घर बैठे आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहो। और हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक और शेयर भी बनता है, राइट? तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिलहाल आज के लिए आपको टाटा बाय बाय बोलती हूँ, मिलती हूँ मैं आपको मेरे अगले वीडियो में इसी तरह से धमाकेदार वीडियोज और रेसिपी के साथ में। तब तक ले, टेक केयर, लव यू गाइज, बाय।